नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा पांचवी के गणित में पार्ट दो संख्या ज्ञान में प्रश्न संख्या तीन करने वाले हैं। सो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों और भी बहुत सारे विषय के प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या तीन। ये है प्रश्न संख्या तीन, उसमें से पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, संख्याएं पढ़ो और अक्षरों में लिखो। इसको हमको क्या करना है, अक्षर में लिखना है। इससे पहले में क्या दिया गया है, 765,234। इस तरीके से हमको पढ़ पढ़ करके लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे पहले में लिखते हैं 765,234 दिया गया, 234 दो सौ चौतीस। दूसरे में क्या दिया गया है, 473,225। तो यहां पे लिखोगे 400,275 कितना दिया गया है, 25। उसके बाद में क्या दिया गया है, 327,000, यहाँ पे 00 दिया गया, 1 मतलब 327,001। यहाँ पे लिखोगे 327,001। अब क्या दिया गया, 875,375, यहाँ पे लिखो 875,375। अब क्या दिया गया, 150,437, तो यहाँ पे लिखोगे 150,437। इस तरीके से करना है। छठवे में क्या दिया गया, 203,175, तो यहाँ पे लिखो 203,174 क्या दिया गया, 74। अब क्या दिया गया, 647,851, यहाँ पे लिखोगे 647,851। अब क्या दिया गया, यहाँ पे देखो 900,000, हजार वाला गायब है, 999, यहाँ पे लिखोगे 999। यहाँ पे क्या दिया गया, 575,010, यहाँ पे लिखो 575,010। उसके बाद में क्या दिया गया, 403,005 503,005। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम लोग करते हैं अगला प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, संख्याएं पढ़ो और अंकों में लिखो। इसको हमको किस में लिखना है, अंकों में लिखना है। क्या दिया गया, पहले में
135,855, यहाँ पे कैसे लिखोगे? 1,00,000, उसके बाद हजार में कितना दिया गया? 35,000, फिर 855, तो ये हो जाएगा 855। अब दूसरे में क्या दिया गया? 7,27,000, यहाँ पे लिखोगे 7,27,000। आगे कुछ नहीं दिया गया, जहां पे कुछ भी नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर तीसरे में क्या दिया गया? 4,25,300, ये हो जाएगा 4,00,000, फिर कितना हजार है? 25,000, फिर 300, इस तरीके से लिखोगे। उसके बाद में चौथे में क्या दिया गया है? 9,09,999, ये हो जाएगा 9,00,000, उसके बाद 9,000 दिया गया तो 0,09,000 हो जाएगा, उसके बाद में 99 दिया गया तो 0,99,999 हो। देखो इकाई दाएं सैकड़ा हजार दस हजार लाख 9,09,999। पांचवे में दिया गया 7,49,362, तो 7,49,000, उसके बाद में 362, इस तरीके से हमको करना है। उसके बाद में छठवें में क्या दिया गया? 8,00,000 दिया गया, तो ये सीधा 8,00,000 लिख करके हजार में 0 है, सैकड़ा और इकाई दाएं में भी 0 आ जाए। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या दिया? 0 से 9 में से प्रत्येक अंक का केवल एक बार उपयोग करके 6 अंक वाली 5 संख्याएं बताओ। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे लिख लो 6 अंक वाली संख्या, यहाँ पे लिख लो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका हमको उपयोग करके कोई भी 5-6 अंक वाली संख्या लिखनी है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 0 है ना, तो 0 से मत चालू करो, 1 से चालू कर सकते हो। तो क्या लिख सकते हो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये डायरेक्ट लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन गया तुम्हारा एक संख्या, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो। दूसरे में क्या लिखोगे? दूसरा संख्या सपोज मैं यहां से बनाता हूं 4 से, तो ये क्या बन जाएगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये देखो क्या हो गया? 1,23,456, 4,56,789। तीसरा कुछ भी बना सकते हो, या तो हम लोग अपने मन से भी लिख सकते हो 2, 3, 4, 5, 8, 9। फिर चौथे में लिख लो 6, 7, 0, 5, 3, 8। फिर पांचवे में लिख लो 6, 3, 2, 4, 1, 5। आप लोग कुछ भी लिख सकते हो और इसको पढ़ लो, 1,23,456, 4,56,789, 2,34,589, 6,70,538 और 6,32,415। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। आज हमारा प्रश्न संग्रह 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 3 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।